हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जस्ट मैंने अभी वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोगों की ओपिनियन ली थी कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, डाइट प्लान चाहिए यानी कि कोई डाइट रेसिपी चाहिए, या फिर हेयर केयर या हेयर केयर का कोई वीडियो चाहिए। तो आप लोगों ने ही मुझे बोला कि मुझे डाइट रेसिपी चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डाइट रेसिपी डालती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ हेयर केयर का भी वीडियो शेयर करूंगी। यानी विंटर में जिनको भी हेयर प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहे हैं, या फिर विंटर की वजह से कभी हेयर जो होते हैं काफी ज्यादा, पता नहीं कौन कौन सी वॉइस निकालते चट्टे चट्टे करके जब आप स्वेटर निकालते हो या टी शर्ट निकालते हो, और हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हेयर ड्राई हो रहे हैं, मतलब एवरीथिंग, जितने भी प्रॉब्लम है विंटर की, तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी सब कुछ रेडी है, बस मुझे अपलोड करना है। तो इस वीडियो के बाद कल आपको हेयर केयर का वीडियो मिलेगा। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब मैंने एक मेट्रो वाली फोटो आप लोगों के साथ शेयर की थी कम्युनिटी में, तो मुझसे बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप काफी स्लिम हुई हो, इस समय आप कौन सा डाइट ले रहे हो, या फिर क्या ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा, मतलब इतने कम समय में आप इतने स्लिम हुए हैं, बॉडी टोन हुई है। तो आज मैं आप लोगों से वही शेयर करने वाली हूँ। पूरा डाइट प्लान शेयर नहीं करने आई हूँ, उसका एक दिन या दो दिन बाद मैं शेयर करूंगी कि मैं इस समय क्या कर रही हूँ, कैसे, क्या, कौन सा वाटर ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो दो तीन बाद वीडियो आएगा। लेकिन अभी मैं प्रेजेंट में ऐसा क्या ले रही हूँ, ऐसी कौन सी डाइट ले रही हूँ जिसकी वजह से मेरा जो वेट है मेंटेन है, बॉडी टोन है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना चाहिए कि हमें अपना वेट लॉस करने के लिए खाना नहीं छोड़ना चाहिए, भरपूर मात्रा में हमें मिनरल लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, मतलब सब कुछ लेना चाहिए हमें अपनी बॉडी के लिए। और मैं मान लीजिए अगर किन्हीं कारणों से नहीं अपनी बॉडी को फुल कर पाती हूँ, फ्यूल नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए मैं एक मल्टीविटामिन लेती हूँ, उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐड करूँ, बिकॉज ऑफ मैं वेजिटेरियन हूँ। तो आप सब जानते हैं कि आप, मतलब जानते क्या, आप सब सोचते होंगे कि जो भी वेजिटेरियन होता है वो उतनी ज्यादा प्रोटीन की मात्रा अपने में ऐड नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी प्रोटीन ऐड करती हूँ। मैं एक बार शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, यानी मेरा जब मेरे बेटे की डिलीवरी हुई थी, मेरा बेटा हुआ था, उसके दो दिन बाद मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्वेल कर गई थी और मैं काफ़ी हेल्दी दिख रही थी, फेस भी काफ़ी फूल गया था, हाथ पैर भी काफ़ी फूल गए थे। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई और डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आप अपने खाने में प्रोटीन ऐड करिए, एग ऐड करिए, तब जाके ये स्वेलिंग जाएगी। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने बोला कि डॉक्टर मैं एग तो नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने मुझे फिर कुछ चीज़ें सजेस्ट की, वो आज मैं आप लोग, मतलब वो क्या, वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करें। डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आप बॉयल्ड चिक पीस ले, यानी छोले ले, बॉयल्ड राजमा ले, इस तरह से आप कुछ ले सकते हैं। तो अब आप ये सोचें कि बॉयल्ड चीज़ें खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा, आप अगर सब्जी बना के खाएंगे तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी का आज मैंने एक तोड़ निकाला कि किस तरह से मैं चिक पीस को बहुत ही टेस्टी विदाउट ऑयल और फुल ऑफ प्रोटीन के साथ उसे लूँ, क्योंकि चिक पीस जो छोले होते हैं वो भरपूर प्रोटीन का एक सोर्स है, जो भी वेजिटेरियन है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आज उसी की एक रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, इस रेसिपी को आप लंच में ले सकते हैं, इस रेसिपी को आप इवनिंग स्नैक के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये क्या मैं बोलूँ कि काफ़ी अच्छी रेसिपी है, जिसे आप तीन टाइम, वरना मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, लेकिन ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप तीनों टाइम पर ले सकते हैं। डिनर में मत ऐड करिएगा, क्योंकि डिनर में उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी अच्छी डिशेस के लिए, डाइट डिशेस के लिए, डाइट प्लान्स के लिए, हेयर केयर के लिए और स्किन केयर के लिए, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, फुल पैकेज है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब मैं लाइव आती हूँ या जब मेरा वीडियो आता है तो उन्हें नोटिफाइड नहीं हो पाता है, तो आप उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफाइड हो जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हैं और वीडियो की तरफ। यहाँ पे आपको थोड़े से चिक पीस लेने, मैं थोड़ा सा ज्यादा बॉयल करके तो मैं ले लूँ, वैसे ये आपकी क्वांटिटी के हिसाब से है कि आप कैसा ले। तो आपको जस्ट उसमें, ये मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ हमेशा अपनी डाइट में, तो आपको रॉक सॉल्ट डाल के इसे दो से तीन सीटी लगा लेनी है, जैसा आपका प्रेशर कुकर हो, मैं तीन सीटी लगाती हूँ। और इसे आपको बॉयल करना है, मतलब इतना बॉयल करिए कि ये हल्का सा हाथ से दबने पर फूटने लगे।
तो तीन सीटी लग चुकी हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसे कितना पकाना है। तो जैसे हाथ से दबने लगे इट मीन्स ये पक गया है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगा। नमक मैंने पहले से मिलाया तो अब आपको नमक मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपको इसका जो वाटर है वो अलग करके, जो चिक पीस हैं छोले हैं उसे सेपरेट करना है। मतलब मैं छन्नी से इसलिए छान रही हूँ ताकि पूरा पानी निकल जाए। और जितनी क्वांटिटी में मुझे अभी लेना है ये मैं अपनी प्लेट में मेजरमेंट कर रही हूँ, उतनी क्वांटिटी में बनाऊँगी और मैं उसे फ्रिज में रख लूँगी। देन जब भी खाना होगा तब मैं इसे अच्छे से और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करूँगी। ये आपके ऊपर है कि आप प्याज कच्चा खाते हो कि नहीं खाते हो। कुछ लोग नहीं खाते हैं तो वो प्याज ना ऐड करें, दूसरी चीज़ें ऐड कर लें। तो इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी। अगर आप टमाटर नहीं खाते हो, आपको कच्चा नहीं पसंद है, तो आप अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद मैं एक हरी मिर्च यूज़ करूँगी। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कैसा तीखा खाते हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ें मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, तो लाल मिर्च मत यूज़ करिएगा, ये हरी मिर्च यूज़ करिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। तो इसे बीच में मैं कट करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसके जो बीज हैं सारे स्टिक पीस में स्प्रेड हो जाएं और आपको खाने में तीखा आए और तीखा लगे, एक जगह ना रह जाए, ये सारी मिर्च हर जगह स्प्रेड हो जाए। और इसके बाद मैं भी आगे आपको बताऊँगी कि मैं कौन कौन से मसाले इसमें यूज़ करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें भुना जीरा ऐड करूँगी। ध्यान रखिएगा कच्चा जीरा मत ऐड करिएगा वरना खाने का टेस्ट बिल्कुल चला जाएगा। भुने जीरे का पाउडर ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें अलसी के, जो रोस्टेड अलसी होता है उसे आपको इसमें ऐड करूँगी। जिनको भी रोस्टेड वाला अलसी नहीं पता है, मैं बहुत जल्दी उसकी रेसिपी भी लेके आने वाली हूँ कि किस तरह से उसे पाउडर फॉर्म में डालना है। इसके बाद मैं इसे चाट मसाला यूज़ करूँगी। आई थिंक चाट मसाला हर किसी का फेवरेट होता है, तो चाट मसाला तो ज़रूर यूज़ करना बनता है इसमें, तो मैं चाट मसाला यूज़ करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें खूब ढेर सारा हरा धनिया भी ऐड करूँगी। एक नींबू ज़रूर ऐड करिएगा जो आपके वेट मैनेज के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके इसको भी ग्लो देगा। और इसके बाद ढेर सारा हरा धनिया पत्ता ऐड करूँगी, गार्निशिंग के लिए थोड़ी रख लीजिएगा। तो आधे से ज़्यादा इसमें डाल दीजिएगा। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए मैंने बाउल में डाला था ताकि हर चीज़ मिक्स हो जाए। नमक इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि बॉयल करते समय इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। और आप मान के चलिए कि अगर आप ये पूरा भी खा लेंगे तो वेट बिल्कुल भी बढ़ने नहीं वाला है। और आपको जितनी प्रोटीन चाहिए दिन में आप इससे प्रोटीन ले लोगे। यानी कि वेजिटेरियन वालों के लिए ये एक वरदान है। चिक पीस, राजमा, आई थिंक राजमा की चाट उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी चिक पीस की लगती है। तो इसे बनाइए, खाइए। और इसमें बहुत सारा हरा धनिया पत्ता मैं ऊपर से ऐड करूँगी ताकि ये गार्निशिंग के लिए अच्छा हो। और जिन्हें नहीं पसंद है वो पुदीना पत्ता ऐड कर सकते हैं। तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। बताइएगा कि इस खाने में कैसी लगी और मेरे साथ पिक्चर भी शेयर करिएगा। आई होप गाइज आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी टेस्टी रेसिपी है, काफ़ी हेल्दी रेसिपी है और पेट आपका आराम से 3 घंटे फुल रहेगा आपको इसके बाद, क्योंकि काफ़ी हैवी है ये। और जब आप इतनी क्वांटिटी में लेंगे तो काफ़ी देर पेट आपका भरा रहेगा, 3 से 4 घंटे आपको बोलना भी नहीं है। और इतना ज़्यादा अच्छे मसाले मैंने यूज़ किए हैं तो खाने में भी आपको बिल्कुल बोर फील नहीं होगा। जस्ट एक कप चाय लीजिए और उसके साथ विदाउट शुगर और उसके साथ ये खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और कल आपको हेयर केयर या फिर वैसे मोस्टली हेयर केयर का ही वीडियो मिलेगा। विंटर की जितनी भी प्रॉब्लम है वो उसे हटाएगा। और जिनको भी हेयर लॉस हो रहा है, जिनको भी बैंडनेस की प्रॉब्लम आ रही है, जिनके भी वाइट हेयर हो रहे हैं, मतलब सब कुछ है उसके अंदर। तो मिलती हूँ कल आपसे हेयर केयर के वीडियो के साथ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।